हेलो क्लास 11, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एल्गी और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। सो मेनली ब्रायोफाइट्स में दो ही तरह की वैरायटीज़ हैं या दो ही चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट होते हैं मॉसेस और दूसरे लीवर वर्ड्स। जो यहाँ पर इनके बारे में हमें पढ़ना है या फिर कह सकते हैं एज अ डिवीज़न हमें जिन्हें पढ़ना है वो है मॉसेस एंड लीवर वर्ड्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो कि मेनली ये जो ब्रायोफाइट्स है वो होते का है वो एक मॉइस्ट एरिया, ऐसा मॉइस्ट एरिया ऑल्सो शेडेड जहाँ पर छाया होती है, कोई तरह की धूप नहीं पहुँच पाती है। सो ऐसे मॉइस्ट एरियाज़ में, जो हिल्स के मॉइस्ट एरियाज़ है वहाँ पर ब्रायोफाइट्स होते हैं। ऑल्सो उनके बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने मार्केशिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आप मार्केशिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑल्सो जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें पहले तो ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैलस लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट यहाँ पर इरेक्ट्स लगे होते हैं, इरेक्ट प्रोस्टेट लगा हुआ होता है जो कि थैलस से जस्ट अपोजिट साइड में लगा हुआ है, एंड राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स जो हैं यहाँ पर वो फॉल्स रूट भी कहते हैं उनको, थ्रू लीव्स या फिर थ्रू प्लांट स्ट्रक्चर्स में नहीं है, बट जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से लुक अलाइक लगते हैं उन्हीं के जैसे, थोड़े जैसे कि आपको लीफ लाइक कुछ लग रहा होगा, ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है बट बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ थोड़े से सिमिलर होते हैं, दिखने में थोड़े से वैसे ही हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो आर्चिगोनियम लिखा है ये फीमेल पार्ट के लिए होता है, एंड एंथ्रीडियम फॉर द मेल। सो जो मेल एंड फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव देयर स्पोर्स, जिन्हें फीमेल में उन्हें आर्चिगोनियम या आर्चियोफोर बोला जाता है, एंड इन द मेल इसे एंथ्रीडोफोर बोला जाता है। ओके, जस्ट सम अदर एग्जांपल ऑफ मॉसेस। ये पहले जो एग्जांपल आपने भी देखे थे ये लीवर वर्थ के एग्जांपल थे, एंड ये मॉसेस के एग्जांपल है जहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। आपको फ्यूनेरिया एंड ऑल्सो स्पागम के बारे में बताया गया, दैट इज़ द फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो गैमेटोफाइड है, गैमेटोफाइट्स अलग होते हैं, स्पोरोफाइट अलग अलग होते हैं। एक ही प्लांट में दो अलग अलग डिवीज़न होता है, गैमेटोफाइट का एंड स्पोरोफाइट का। सो ये कुछ एग्जांपल्स आपने देखे ऑफ द लीवर वर्थ एंड मॉसेस। ओके, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एम्फीबियंस का क्या कैरेक्टर होता है कि एम्फीबियन वाटर में भी रह सकते हैं एंड लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो दोनों की जगह लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। सो वैसे ही ब्रायोफाइट्स में भी एक ये प्रोसेस है जो कि विदाउट वाटर कम्प्लीट नहीं हो सकती, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए ब्रायोफाइट्स को वाटर में जाना पड़ता है, और विदाउट ब्रायोफाइट्स सो वो एम्फीबियंस की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर में जाना पड़ता है, एंड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो उनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा सो वो अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाते, जिसके लिए फॉर द इंक्रीजिंग देयर नंबर एंड ऑल्सो फॉर कम्प्लीटिंग देयर लाइफ उन्हें वाटर में जाना पड़ता है, एक बार डिपेंडेंट होना पड़ता है वाटर में। सो इसी की वजह से इन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है, बिकॉज उनकी जो लाइफ है वो सॉइल पर तो होती है बट ऑल्सो वाटर पर भी डिपेंड होती है। दे मेनली वो कहाँ पर होते हैं, डैम्प ह्यूमिड शेडेड एरियाज़ में होते हैं, जो छायादार एरिया होते हैं हिल के, जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जहाँ पर होता है वो वहीं पर इन रोल प्ले उनका होता है, वहीं पर वो लोकेटेड होते हैं। ऑल्सो जो प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, बेयर रॉक्स यानी एंड बेयर सॉइल, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर किसी तरह के कोई प्लांट्स ना हो, ऐसे हिल्स जिस पे पहले कोई प्लांट नहीं थे, वो केवल सिर्फ एक रॉक्स का बना हुआ होता है, तो उन पर धीरे धीरे प्लांट को ग्रोस करवाना, प्लांट का सक्सेशन करना, प्लांट को जर्मिनेट करवाना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ब्रायोफाइट्स का, बिकॉज पहले ब्रायोफाइट्स ही ऐसे प्लांट हैं जो वहाँ पर जाकर ग्रो होते हैं, एंड देन धीरे 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 हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं। और ऑल्सो यही चीज़ सॉइल के भी साथ है, अगर कोई ऐसी बैरन सॉइल है जिसमें जो बिल्कुल अनफर्टाइल हो चुकी है, जहाँ पर कोई भी अभी प्लांट के ग्रोथ नहीं हो रहे, तो वहाँ पर भी पहले ब्रायोफाइट्स, अगर वहाँ पर जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, पानी वानी से प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो पहले वो ब्रायोफाइट्स वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, एंड देन धीरे हायर प्लांट्स वहाँ पर जर्मिनेट हो सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट जो प्लांट्स बॉडी है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है किससे, एल्गी से, बिकॉज जो एल्गी है आपने प्रीवियस देखा था वो फिलामेंटस लाइक होते हैं या फिर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें प्रॉपर कोई भी रूट्स
स्टेम शूट कुछ भी समझ में नहीं आता था प्रॉपर अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं था। तो ब्रायोफाइट्स में उनसे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है बिकॉज उसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था और एक प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट करके इरेक्ट्स एक स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल्सो उनसे वो ज़मीन से अटैच होने के लिए या फिर किसी सबस्ट्रेट जिससे सबस्ट्रेट से वो अटैच होते हैं तो वहाँ पर यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स होते हैं। ये जो तीनों स्ट्रक्चर आपको बताए गए जो प्लांट है ब्रायोफाइटा जो क्लास है उसमें जो ट्रू लीव्स हैं स्टेम है या लीव्स तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब एक रियल का स्टेम एक रियल की रूट तो प्रॉपर नहीं होती, बट हाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे दे में हैव पॉसेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो अभी आपने ऊपर देखे होंगे। तो वो कुछ कुछ प्लांट जैसे कुछ कुछ लीव जैसे और कुछ राइजोइड्स और राइजोइड्स जो थे वो कुछ रूट जैसे दिख रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टेम रूट और लीफ के स्ट्रक्चर होते हैं बट वो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर एंड वही वर्क उनका नहीं होता, बट हाँ कुछ डिफरेंशिएटेड पार्ट हमें वहाँ पर दिखाई देता है। बट वहीं अगर हम एल्गी की बात करें तो वहाँ पर हमें ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दिया था। ऑल्सो जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड, वो कैसी होती है हैप्लॉइड होती है और जो हैप्लॉइड प्लांट्स बॉडी है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जो ये गैमेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर गैमेट्स वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम एंथ्रीडियम कहते हैं जिस पर जिनसे बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइट्स निकलते हैं, यानी कि जो गैमेटोफाइट्स हैं वो गैमेटोफाइट्स मल्टी सेलुलर होंगे और वो टू डिफरेंट गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल गैमेट्स होता है जो मेल ऑर्गेन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं और एंथ्रीडियम के अंदर से क्या निकलते हैं एंथ्रियोजोइट्स निकलते हैं एंड वैसे ही जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, एक बिग फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक सिंगल सेल होता है। जैसे कि आपने प्लांट में पढ़ा भी होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं और वो पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स वगैरह वहाँ से निकलते हैं पॉलन सैक से और पॉलन सैक से जब वो निकल रहे होते हैं देन वो जाते हैं फीमेल प्लांट पर पहुँचते हैं। ठीक है, बाय पिस्टल स्टिक बाय स्टाइल स्टिग्मा ओवरी पे जाकर वो पहुँचते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रक्चर है कि एक फ्लास्क लाइक आर्चिगोनियम होता है जिसमें एक एग होता है सिंगल एग होता है और जो एंथ्रियोजॉइड्स हैं वो एंथ्रीडियम जो कि मेल प्लांट है वहाँ से आते हैं एंड ऑन द फ्लास शेप स्ट्रक्चर से फ्यूज़ होते हैं। सो पहले इनमें फ्यूज़ होने के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर बहुत इसेंशियल है, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बिकॉज जो एंथ्रियोजोइट्स होते हैं वो वाटर में अपने जो एंथ्रियोजोइट्स को यानी कि जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रियोजोइट्स को वाटर में रिलीज़ करता है, फिर ये वाटर में फ्लो करते हुए आर्चिगोनियम के पास जाते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं एंड देन फ्यूज़ करके जायगोट बनाते हैं। पर ये जो जायगोट है वो तुरंत यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न में नहीं जाता, तुरंत वो माइटोटिक डिवीज़न में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता, वो अपने चारों तरफ एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना के बनाता है जिसे स्पोरोफाइट्स कहते हैं। वो स्पोरोफाइट्स में अपने आप को सेव करके रखता है एंड ऑल्सो ये जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग तो नहीं होता, फ्री लिविंग नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स से जाकर अटैच हो जाता है, मतलब कहीं किसी ऐसे प्लांट से या किसी फर्दर किसी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट गैमेटोफाइट्स के साथ अटैच हो जाता है एंड वहाँ से नरिशमेंट लेता है। एंड जब सेवरल कंडीशंस हो जाती हैं, सब नॉर्मल कंडीशंस प्रॉपर होती हैं, सुटेबल कंडीशंस होती हैं, देन इनमें माइटोटिक डिवीज़न मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट होता है यानी रिडक्शन डिवीज़न स्टार्ट होता है एंड जिनके थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं एंड देन एक न्यू स्पोरोफाइट का देन एक न्यू स्पोर्स से न्यू स्पोर्स आगे जो दीस स्पोर्स है जो अभी तक कहाँ थे स्पोरोसिस्ट के अंदर थे अब वो स्पोर्स प्रॉपर जर्मिनेट होते हैं और एक गैमेटोफाइट यहाँ से बनता है। दैट मीन्स जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो जायगोट तुरंत ही डिवीज़न नहीं करता है, वो फॉर अ फ्यू टाइम अपने चारों तरफ एक लेयर स्पोरोफाइट्स की लेयर बना के रखता है। ये फ्री लिविंग तो नहीं है बट यस ऑफकोर्स किसी भी गैमेटोफाइट से अटैच हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जिनसे इन्हें फूड मिले नरिशमेंट मिले एंड जब प्रॉपर फूड प्रॉपर नरिशमेंट इन्हें मिल जाता है देन इनमें रिडक्शन डिवीज़न स्टार्ट होता है देन वहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं वो एक न्यू गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी आपने प्रीवियस देखा था कि एल्गी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते। जैसे कि फर्स्ट तो कुछ मॉसेस हैं जो कि फूड का काम करती हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए, हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि टोटली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं तो उनके लिए वो एज अ फूड का वर्क करते हैं। ऑल्सो सम बर्ड्स एंड सम अदर एनिमल्स के लिए भी वो फूड सोर्स का काम करते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे स्पीसीज देखेंगे जैसे
स्पागम की स्पीसीज एंड मॉसेस की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बहुत टाइम तक क्या होता है अर्थ क्रस्ट में रहती हैं, तो उनसे एक कुछ फ्यूल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एक लिक्विड होता है जो कि ब्राउन कलर, थोड़ा ब्राउन और ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है जिसे कि पीट बोलते हैं, एंड ये पीट एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो प्लांट्स में जो खाद वगैरह होती है वहाँ पर भी इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से एज अ फ्यूल इन्हें यूज़ किया जा सकता है। एंड ऑल्सो सम पैकिंग मटेरियल्स, जैसे जब ट्रांसपोर्ट की जाती है कोई चीज़ें, सो अगर जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग मटेरियल को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर ये एक वाटर होल्ड बॉडीज़ की तरह वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसको आप पानी के साथ ही ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर वाटर बॉडीज़ को होल्ड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो जो मॉसेज है वो लाइकेंस के ही साथ जो भी रॉक है उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि जो रॉक है जो कि बिल्कुल पहले जिन पे कोई भी कॉलोनीज वगैरह नहीं थी, बिल्कुल भी कोई प्लांट नहीं होते, तो वो उन रॉक को धीरे धीरे मतलब उन पे प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाते हैं, एंड देन एक प्रॉपर रॉक बनती है जिसपे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। तो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बिल्कुल इनकी, बिकॉज ये रॉक के जर्म रॉक को प्रॉपर डिकम्पोज करके वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं, एंड देन हायर प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए वहाँ पर एक प्लेस होता है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखा है कि रॉक्स को डिकम्पोज कर लेते हैं एंड सुटेबल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं किसके लिए, हायर प्लांट्स के लिए। एंड क्यों ऐसे वो क्यों करवाएंगे, क्यों बिकॉज वो पहले धीरे धीरे प्लांट्स के ऊपर रॉक्स के ऊपर इन अ मॉइस्ट कंडीशंस ग्रो होना स्टार्ट करते हैं, और पहले एक पूरी मैट लाइक स्ट्रक्चर या जैसे एक मैट होती है जो मैट की तरह पूरे रॉक रॉक को या हिल को कवर कर लेते हैं, सी डेंस मैट, एक डेंस मैट का निर्माण कर देते हैं, जिनकी वजह से होता है क्या, जो रेनफॉल है या बारिश का जो इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, रॉक के ऊपर या फिर सॉइल इरोजन होता है, ये दोनों चीज़ें रॉक में कम हो जाती हैं और एक प्रॉपर ग्रीनरी रॉक पे डेवलप हो जाती है, एंड धीरे 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 क्या होता है, हायर प्लांट भी वहाँ पे डेवलपमेंट जाते हैं। तो इस तरह एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल रखते हैं जिनमें ये हायर प्लांट्स कम डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो द लास्ट लाइन जिसमें बताया गया कि ब्रायोफाइट्स को दो बॉक्स में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इन द लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस। सो आज जो हमने पढ़ा है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लीवर वर्ड एंड मॉसेस।